नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 इंग्लिश के तीसरे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल और इसकी लेखिका हैं कैथरीन मैंसफील्ड। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब यह वीडियो लेक्चर कम्प्लीट होगा तो ये चैप्टर आज के बाद आपके लिए धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर में चलते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। मेरी जो बुक है वो राजीव प्रकाशन की है। तो कहते हैं टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए। देखिए आपका चैप्टर का जो है नाम है वो है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल का हिंदी होता है छोटी लड़की, ठीक है। तो टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए या उस छोटी लड़की के लिए, ही वाज, वह था अ फिगर, एक ऐसा व्यक्ति, टू बी फियर्ड, जिससे डरना चाहिए, एंड अवॉइडेड, और उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो उस छोटी लड़की के लिए ही वाज अ फिगर, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे डरना चाहिए और उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात उनसे बचकर रहना चाहिए, अवॉइड करना, बच कर रहना, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, ही मतलब वह व्यक्ति, वह पुरुष अर्थात उसके पिता उस लड़की के, ही केम इन टू, आते थे हर रूम, उसके कमरे में। हर लगा है तो लड़की के लिए, ही लगा है तो लड़के के लिए, आप सबको पता होना चाहिए, इतना बेसिक सा है। तो ही केम, वहाँ आते थे, इन टू हर रूम, उसके कमरे में, एंड गेव हर, और उसे देते थे अ कैजुअल किस, एक कैजुअल किस यानी एक लापरवाह सा चुंबन देते थे, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वहाँ उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक लापरवाह सा चुंबन देते थे, टू विच सी रिस्पॉन्डेड, टू विच, जिसके जवाब में सी रिस्पॉन्डेड, वह उत्तर देती थी, अर्थात जिसके जवाब में विथ गुड बाय, वो कहती थी गुड बाय, अलविदा, या फिर नमस्ते फादर, पिताजी, ठीक है। टू विच द सी रिस्पॉन्डेड विथ, और इसके जवाब में वह कहती थी गुड बाय फादर, नमस्ते पिताजी। एंड ओह, और अरे, देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, देर वॉज अ ग्लैड, एक ग्लैड होता था, एक प्रसन्नता होती थी, प्रसन्नता की भावना होती थी, ग्लैड सेंस मतलब प्रसन्नता की भावना, ऑफ रिलीफ यानी संतोष और प्रसन्नता की एक भावना होती थी, व्हेन सी हर्ड, जब वो सुनती थी द नॉइस, आवाज़ को, ऑफ द कैरिएज, गाड़ी की, ग्रोइंग फेंटर, धीमी, एंड फेंटर, और ज़्यादा धीमी, डाउन, पढ़ते हुए यानी, और गाड़ी की आवाज़ को जब वो धीमी और धीरे धीरे और ज़्यादा धीमी होती हुई सुनती थी तो उसको संतोष होता था, अर्थात रिलीफ मिलता था, ग्लैड सेंस, और वो प्रसन्न होती थी, ठीक है। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पिताजी की जो गाड़ी थी वो जैसे जैसे दूर होती जाती थी तो उसकी आवाज़ धीमी पड़ती जाती थी, और जब गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती थी अर्थात उसको लगता था कि गाड़ी बहुत दूर निकल गई, अर्थात पिताजी गाड़ी लेकर चले गए, तो उसको संतोष मिलता था और वो प्रसन्न होती थी, ठीक है। तो एंड देयर वाज अ ग्लैड सेंस, वो प्रसन्न होती थी, और ऑफ रिलीफ, और उसको संतोष मिलता था, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको संतोषी भरा या संतोष भरा सुख प्राप्त होता था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको संतोष मिलता था और वह प्रसन्न हो जाती थी जब वह सुनती थी गाड़ी की आवाज़ को धीमा और ज़्यादा धीमा होते हुए, द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर, ठीक है। इन द इवनिंग, और शाम को, व्हेन ही केम, जब वो घर आते थे होम, यानी इन द इवनिंग और शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो सी स्टूड, वो खड़ी रहती थी नियर द स्टेयर केस, सीढ़ियों के पास, और शाम को जब वो घर वापस आते थे तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, एंड हर्ड हीज लाउड वॉइस, और उनकी भारी या तेज आवाज़ को सुनती थी, इन द हॉल में, और हॉल में उनकी भारी आवाज़ को सुनती थी। पुरुषों की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती थी, तो जैसा आपको याद हो जाए। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राॅइंग रूम, ड्राॅइंग रूम में मेरी चाय लाओ,
हैजंट द पेपर कम इट, पेपर अर्थात न्यूज़पेपर कम इट, अभी तक नहीं आया, हैजंट, क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया। मदर यानी पिताजी अपनी खुद की माँ से अर्थात दादी से कहते थे, मदर माँ गो एंड सी, जाओ और देखो, इफ़ माई पेपर की मेरा पेपर आउट देयर, कहीं बाहर तो नहीं है। माँ जाओ और देखो कि कहीं मेरा पेपर बाहर तो नहीं है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स मेरे जो चप्पल हैं, ब्रिंग मी, ले आओ, और मेरे चप्पल ले आओ। केजिया, देखिए उस बच्ची का नाम केजिया था, तो वो कहती है केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर माँ वुड कॉल टू हर, उसको बुलाती थी या उसको पुकारती थी या उसको आवाज़ देती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिताजी के, फादर्स बूट्स, बूट मतलब होते हैं जूते, पिताजी के जूते टेक ऑफ उतारो, और नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल, धीरे धीरे वह लड़की वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से स्लिप डाउन नीचे उतरती थी, अर्थात धीरे धीरे द गर्ल वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती थी, मोर स्लोली और उससे भी अधिक धीरे धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो हॉल को पार करती थी, यानी बहुत डरते हुए बहुत ही धीरे धीरे जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राॅइंग रूम डोर, एंड पुश और धक्का देकर ओपन खोल देती थी द ड्राॅइंग रूम के दरवाजे को, और धकेल कर या धक्का देकर ड्राॅइंग रूम के दरवाजे को खोल देती थी। By that time, उस समय तक he had his spectacles on, उस समय तक अर्थात जब तक वो वहाँ तक पहुँचती थी, तो by that time, उस समय तक he had, पिताजी ने his spectacles, अपने चश्मे on पहन लिए होते थे, ठीक है, अर्थात उस व्यक्ति ने, यहाँ पे लिखा गया है कि उस व्यक्ति ने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिताजी ने, ठीक है, तो आपको पिताजी ही पढ़ना है ताकि आप डाउट ना हो आपको थोड़ा सा भी। तो by that time, उस समय तक ही हैड स्पेकल्स ऑन, पिताजी ने अपने चश्मे पहन लिए होते थे, एंड लुक्ड एट हर, और उसको देखते थे ओवर देम, चश्मों के ऊपर से। देखिए जब कोई व्यक्ति चश्मे के ऊपर से देखता है ना, तो ऐसा लगता है आप लोग डर जाते हैं, ऐसा लगता है कितने गुस्से से देख रहे हैं, तो ऐसा होता है सबके साथ। इन अ वे, उस तरह से या इस तरह से, दैट वॉज टेरिफाइंग, जिससे वो डर जाती थी, टू द लिटिल गर्ल, वहाँ छोटी लड़की, इस तरह से, इन अ वे दैट, इन अ वे दैट, इस तरह से कि वह छोटी लड़की डर जाती थी। विल केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। केजिया विल मतलब होता है अच्छा, अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतार दो और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे, हैव यू बीन, क्या तुम बनी रही अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की, टुडे आज, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही। आई डोंट नो फादर, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि वो हकला कर बोल रही है, तो आई डोंट नो फादर, ठीक है, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डू डोंट नो, अब पिताजी भी कहते हैं यू डू डोंट नो, अर्थात वो भी हकला कर बोल रहे हैं। देखिए जो लोग हकलाते हैं वो रुक रुक कर बोलते हैं, तो यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू शटर लाइक दैट, यदि तुम इसी तरह से हकलाती रही, शटर लाइक दैट, इसी तरह से हकलाती रही, तो मदर विल हैव टू टेक यू, तो माँ को तुम्हें ले जाना पड़ेगा, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल्स, अदर पीपल्स दूसरे लोगों के सामने, शी नेवर शटर्ड, वो कभी भी हकलाती नहीं थी। आई हैड क्वाइट गिवन इट अप, हैड क्विट क्वाइट गिवन इट अप, उसने हकलाना छोड़ दिया था। देखिए कह रहे हैं कि हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसका मतलब है कि उसने हकलाना छोड़ दिया था, बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ पिताजी के सामने, बिकॉज देन, क्योंकि उस समय शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड, क्योंकि वह ट्राई कर रही होती थी, प्रयास कर रही होती थी, सो हार्ड, बहुत मुश्किल से, टू से, बोलने का द वर्ड, शब्दों को प्रॉपरली, ठीक तरह से, क्योंकि उस समय वह शब्दों को अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से बोलने का हार्ड, कठिन प्रयास कर रही होती थी, ठीक है, ट्राइंग मतलब प्रयास करना, हार्ड मतलब कठिन, बिकॉज क्योंकि उस समय वह शब्दों को अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयास कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है,
वाट आर यू लुकिंग सो वृक्ष्ड अबाउट, वाट आर यू क्या चीज़ है लुकिंग सो वृक्ष्ड अबाउट, यानी तुम किस लिए दुखी लग रही हो। मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, आई विश, माँ काश यू टॉट, तुमने बताया होता दिस चाइल्ड, इस लड़की को, नॉट टू अपीयर, कि ना दिखे। ऑन द ब्रिंग ऑफ सुसाइड, सुसाइड अर्थात जो लोग जान सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, वो लोग बहुत डरे रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिंग ऑफ सुसाइड अर्थात सुसाइड करने वाली लड़की जैसी ना दिखती, अपीयर मतलब दिखना। तो मदर, माँ, आई विश, मैं मतलब कहना चाहते हैं कि काश यू टॉट, तुमने बताया होता दिस चाइल्ड, इस लड़की को, कि यहाँ आत्महत्या करने जैसी शक्ल बनाकर ना घूमती। अर्थात यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि काश तुमने इस लड़की को सिखाया होता कि वहाँ आत्महत्या करने जैसी या करती सी दिखाई ना देती, यानी हमेशा डरी डरी रहती थी। तो वही इसी बात पर वो कह रहे हैं कि काश तुमने इस लड़की को सिखाया होता कि ये भी खुश रहती, दूसरे बच्चों की तरह हंसती, बोलती, खेलती, ये तो ऐसी डरी डरी रहती है जैसे ये आत्महत्या करने जा रही हो या फिर इसकी कोई जान लेने वाला हो, इतनी डरी डरी रहती है, ठीक है। तो सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि काश तुमने इसको सिखाया होता कि ये भी दूसरे बच्चों की तरह हंसती, मुस्कुराती और खेलती, ना कि ये ऐसे डरे डरे रहती, ठीक है। तो मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, माँ काश तुमने इस बच्ची को सिखाया होता, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या, तो आत्महत्या करते हुए सी दिखाई यह ना देती, ये ऐसे ना दिखती जैसे ये आत्महत्या करने जा रही हो। अर्थात माँ काश तुमने इसे सिखाया होता कि ये ऐसे ना दिखती जैसे ये आत्महत्या करने जा रही हो, ठीक है, क्लियर है। सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पे कहना चाहते हैं कि माँ काश तुमने इसे सिखाया होता कि ये भी दूसरे बच्चों की तरह खुश रहती, ठीक है। लेकिन जो लिखा है उसको पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही पढ़ना है। हेयर, यहाँ, केजिया, कैरी माई टी कप, मेरा टी कप लो, मेरा चाय का प्याला लो, बैक टू द टेबल, और टेबल पर रख दो केयरफुली, ध्यान से। केजिया, मेरा चाय का प्याला लो और टेबल पर ध्यानपूर्वक रख दो। ही वॉज सो बिग, वो इतने विशाल थे, हिज हैंड्स उनके हाथ, एंड हिज नेक और उनकी गर्दन, ठीक है। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे, वो बहुत विशाल थे, हिज हैंड्स उनके हाथ बहुत बड़े थे, हिज नेक उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, स्पेशली हिज माउथ, खास तौर से उनका मुंह बहुत बड़ा था, व्हेन ही यॉन्ड जब वो जंभाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट, वो सोचती थी हिम कि उनके साथ अलोन अकेले रहना, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट, एक जियांट दैत्य या राक्षस के बारे में सोचने जैसा है। अर्थात उसको लगता था कि उनके साथ अकेले रहना एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा है, छोटे बच्चे राक्षस से बहुत डरते हैं, तो यही बात वो कह रही है कि जैसे अगर मैं इनके साथ अकेली रह जाऊंगी मैं तो बहुत डर जाऊंगी। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन, दादी माँ उसे नीचे भेजती थी, टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक, अच्छे से बात करने के लिए, विद फादर एंड मदर, पिताजी और माता जी के साथ। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन वह छोटी लड़की ऑलवेज फाउंड, हमेशा पाती थी मदर माँ को रीडिंग पढ़ते हुए, लेकिन वह छोटी लड़की माँ को हमेशा पढ़ते हुए पाती थी, एंड फादर स्ट्रेच आउट, और पिताजी फैल कर लेटे हुए होते थे ऑन द सोफा, सोफे पर, हिज हैंकरचीफ, और उनकी रुमाल ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर होती थी, और उनकी रुमाल उनके चेहरे पर होती थी, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, हिज फीट उनके पैर ऑन वन ऑफ द बेस्ट कजन्स, उनके जो पैर थे ना वो कजन्स पर होते थे, तकिए पर होते थे, ठीक है, उनके पैर एक अच्छे तकिए पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली, और वो शोर मचाते हुए सोते थे, अर्थात बहुत से लोग खर्राटे लेते हैं, तो वही है, शोर मचाते हुए सोना, अर्थात वो सोते हुए खर्राटे लेते थे, एंड स्नोरिंग यानी वो गहरी नींद में सोते हुए खर्राटे लेते थे, पूरी तरह से ऐसे कहा जाएगा। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती, ग्रेवली वॉच्ड हिम, गंभीरतापूर्वक वॉच्ड हिम, उनको देखती रहती थी, अनटिल तब तक कि जब तक ही वोक अप, वो उठ नहीं जाते थे, एंड स्ट्रेस्ड और अंगड़ाई नहीं लेते थे। तो वो
एक स्टूल पर बैठकर बड़े ही गंभीरता से उनको तब तक देखती रहती थी जब तक कि वो उठकर जंभाओ अंगड़ाई नहीं लेने लगते थे एंड आस्क द टाइम, और समय नहीं पूछते थे, अर्थात जब वो उठते थे तो वो समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, तब वह उसे देखते थे, यानी उस बच्ची को तब पिताजी देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यू लुक लाइक तुम दिख रही हो लाउक जैसे अ लिटिल, एक छोटा ब्राउन भूरा उल्लू, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स, जब वो घर के अंदर थी, विथ अ कोल्ड, जुखाम की वजह से। एक दिन जब वो जुखाम की वजह से घर के अंदर थी, यानी घर पर थी, यानी पढ़ने नहीं गई, कहीं पर भी नहीं गई, तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया दैट फादर्स बर्थडे, कि पिताजी का बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, पिताजी का अगले सप्ताह जन्मदिन है, एंड सजेस्टेड, और उसे सलाह दी कि सी शुड मेक हिम, कि उसे बनाना चाहिए, सी शुड मेक, उसे बनाना चाहिए हिम उनके लिए अ पिन कजिन। पिन कजिन एक तरह का खिलौना होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम पिन कजिन ही होता है, ये पिन और कपड़ों से बनता है, तो एक पिन कजिन बनाना चाहिए फॉर अ गिफ्ट, एक तो उपहार के रूप में, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येल्लो सिल्क। अब आगे वाला ध्यान से समझिए, आउट ऑफ ब्यूटीफुल, सुंदर पीस, टुकड़ों से, ऑफ येल्लो, पीले सिल्क, पीले सिल्क अर्थात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पीले रेशमी कपड़े के पीसेस, टुकड़ों से, गांव की भाषा में उसे कतरन बोलते हैं, दर्जी जो होते हैं कपड़े सिलते हैं उनकी भाषा में उसको कतरन बोलते हैं, ठीक है, यानी कपड़ों की कतरन से, अब इसे यहाँ पे है पीले रेशमी, सुंदर अर्थात सुंदर पीले रेशमी कपड़ों की कतरन से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुंदर पीले रेशमी कपड़ों के टुकड़ों से उसे एक पिन कजिन उपहार, फॉर हिम उनके लिए, एक फॉर अ गिफ्ट, एक उपहार, मेक हिम उनके लिए बनाना चाहिए। डाउट्स आ गए फिर से, कहते हैं कि हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिताजी का बर्थडे अगले सप्ताह आ रहा है, और उसे सलाह दी कि उसे अपने पिता के लिए एक पिन कजिन बनाना चाहिए उपहार के रूप में, अर्थात उपहार के रूप में उसे अपने पिता के लिए एक पिन कजिन बनाना चाहिए, सुंदर येल्लो सिल्क, पीले रेशमी कपड़ों के टुकड़ों से, या सुंदर पीले रेशमी कपड़ों की कतरन से, तो उसे अपने पिता के लिए एक पिन कजिन उपहार बनाना चाहिए। हो गया, आगे देखिए, यहाँ पर इमेज दिया है कैसे पिताजी अपनी रुमाल को अपने चेहरे पर डालकर और पैरों को तकिए पर रखकर सो रहे हैं, और ये झांक रही है और माताजी पढ़ रही हैं, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया था। लेबरियसली, बड़े कठिन परिश्रम से, विथ अ डबल कॉटन, दोहरी रुई लगाकर, द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने, स्टिच थ्री साइड्स, तीन साइड से, तीन तरफ से स्टिच्ड, सिल दिया, अर्थात जैसे कि कपड़े को सिलना है तो एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया, ये तीन तरफ से उसने सिल दिया लेकिन बीच में छूट गया, तो बड़े कठिन परिश्रम के साथ डबल कॉटन, दोहरी रुई लगाकर उस छोटी लड़की ने तीन तरफ से सिल दिया, ठीक है। बट वाट टू फिल इट, बट वाट, लेकिन टू फिल इट, जब इसे भरा जाने की बात आई, विथ अर्थात, बट वाट टू फिल इट विथ अर्थात इसे किस से भरा जाए, जब ये बात आई कि इसे किस से भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, तो यही प्रश्न था, अर्थात उसने सिल तो दिया था तीनों तरफ से, अब इस चौथी तरफ से भर करके उसको भी सिल देना था, लेकिन अब उसमें कुछ ना कुछ भरना है ना, तो वही कह रहे हैं कि कठिन परिश्रम से, बड़े ही कठिन परिश्रम से, दोहरी रुई लगाकर उस छोटी बच्ची ने तीन तरफ से सिलाई कर दी, ठीक है, बड़े परिश्रम से उसने तीन तरफ से सिलाई कर दी, बट वाट टू फिल इट, लेकिन इसमें क्या भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर गार्डन में थी, दादी माँ बाहर बगीचे में थी, एंड सी वैंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, एंड सी, और वहाँ वैंडर्ड, चली गई इन टू मदर्स बेडरूम, माँ के बेडरूम में, बेडरूम मतलब होता है शयन कक्ष, ठीक है, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कतरन देखने के लिए, कतरन मैंने बोला ना, दर्जी जब कपड़े सिलते हैं तो वो कपड़ों के जो छोटे छोटे टुकड़े काट के अलग कर देते हैं उसको कतरन बोलते हैं, तो कतरन ढूंढने के लिए वो माँ के शयन कक्ष में या बेडरूम में चली गई,
ऑन द बेड टेबल, बेड टेबल अर्थात बेड की मेज पर शी डिस्कवर्ड, उसे मिल गया ग्रेट मैनी सीट, उसे बहुत से बारीक कागज मिल गए और फाइन पेपर्स अर्थात उसे बहुत सारे बारीक कागज मिल गए। गदर्ड देम अप, उसने उन सभी को इकट्ठा किया, टॉर देम उनको फाड़ा इंटू तिनी पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने थैले में केस में अर्थात उस जो कज़िन बनाई थी उसने पिन कज़िन उसमें तो स्टफ्ड भर दिया एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस थैले में जो उसने बनाया था उसमें उसने क्या किया स्टफ कर दिया भर दिया। देन सीड अप, और उसे सिल दिया द फोर्थ साइड चौथी तरफ से भी, और चौथी तरफ से भी सिलाई कर दी। देन दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, दैट नाइट उस रात हाउस घर में ह्यू मतलब बहुत ज़्यादा एंड क्राई बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, उस रात घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच, पिताजी का स्पीच भाषण, ग्रेट मतलब महान, पिताजी का महान भाषण फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण, तो बंदरगाह प्राधिकरण के लिए हैड बीन लॉस्ट खो गया था, यहाँ पर समझिए। पिताजी का महान भाषण बंदरगाह प्राधिकरण के लिए हैड बीन लॉस्ट खो गया था, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पोर्ट अथॉरिटीज़ बंदरगाह प्राधिकरण के लिए ग्रेट स्पीच फादर्स पिताजी का लिखा गया महान भाषण हैड बीन लॉस्ट खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों में ढूंढा गया, ठीक है सभी कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से भी सवाल जवाब हुए। फाइनली मदर केम इनटू केजीज रूम, फाइनली अंत में मदर माँ केम इनटू केजीज रूम, माँ केजी के कमरे में आई। केजी आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, केजी मुझे लगता है मेरे विचार से, आई सपोज मुझे लगता है मेरे विचार से, यू डिडंट सी तुमने नहीं देखा सम पेपर्स कुछ कागज ऑन द टेबल टेबल पर इन आवर रूम हमारे कमरे के, अर्थात मुझे लगता है कि तुमने मेरे कमरे के टेबल पर यानी मेज पर कुछ कागज नहीं देखे, अर्थात तुमने मेरे कमरे की मेज से कोई कागज तो नहीं लिए, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ओह यस, अरे हाँ, सी साइड उसने कहा, आई टोर देम अप, मैंने उनको फाड़ दिया फॉर माई सरप्राइज़, अपने गिफ्ट के लिए, अपने सरप्राइज के लिए मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन, ड्रैग डाउन मतलब होता है खींच कर नीचे लाया गया टू वेयर, वहाँ पर जहाँ पर फादर पिताजी वॉज पेसिंग टू एंड फो, आगे पीछे या इधर उधर पेस कर रहे थे, टहल रहे थे। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन, और उसे खींच कर नीचे लाया गया जहाँ पर पिताजी आगे पीछे या इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीठ पीछे बांध कर, ठीक है। वेल अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने कठोरता से कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, ही स्टॉप्ड वो रुक गए एंड और स्टेयर एट द चाइल्ड बच्ची को स्टेयर किया घूरा। डिड यू डू डैट, क्या तुमने किया है। नहीं, सी विस्पर्ड, वह बुदबुदाई। मदर, माँ, गो अप टू हर रूम, इसके कमरे में जाओ एंड फिच डाउन द डैम्ड थिंग, और डैम्ड थिंग उस बकवास चीज को फिच डाउन नीचे लेकर आओ। मदर गो अप टू हर रूम, माँ इसके कमरे में जाओ एंड फिच डाउन द डैम्ड थिंग, उस बकवास चीज़ को नीचे लेकर आओ, अर्थात जिस गिफ्ट को उसने बहुत प्यार से बनाया था उसको कह रहे हैं कि उस बकवास चीज़ को नीचे लेकर आओ। सोचो, आप किसी के लिए बहुत अच्छा उपहार बनाओ, बहुत मेहनत करो, और फिर वो सामने वाला कहे कि ये बकवास है, तो आपको कैसा लगेगा। शी, देखो, दैट्स द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी देखो, दैट्स चाइल्ड, इस बच्ची को पुट टू बेड, सुला दो, दिस इंस्टेंट इसी समय, पिताजी ने गुस्से से कहा कि देखो इस बच्ची को इसी समय सुला दो। तो क्राइंग बहुत ज़्यादा रो रही थी, टू मच यानी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी टू एक्सप्लेन, समझाने के कारण,
यानी अपनी सफाई देते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो डर गई थी बेचारी कि अब मार पड़ेगी। तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए बहुत ज़्यादा रोते हुए, सी ले इन द शैडोड रूम, वह अंधेरे कमरे में ले लेटी रही। शैडोड मतलब अंधेरा, रूम मतलब कमरा, तो अंधेरा शैडोड रूम मतलब ही होता है अंधेरा कमरा। तो अंधेरे कमरे में वो लेटी रही, ले मतलब लेटना, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, वॉचिंग, और वो देख रही थी द इवनिंग लाइट, शाम के प्रकाश को, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो उसका जो प्रकाश पड़ता है उसको बोलते हैं इवनिंग लाइट, शाम की लाइट को, शाम के प्रकाश को मेघ बनाते हुए, अ सैड, एक दुखी, लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, छोटी परछाई ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ठीक है। यानी जब वो जा रहा था, सूर्य जा रहा था, सूर्य अस्त हो रहे थे, उस समय वो बैठकर रो रही थी तो उसकी जो परछाई थी ना वो फर्श पर बन रही थी। तो वही चीज़ कहना चाहते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक दुखी या उदास परछाई फर्श पर बना रहा था। जिस तरह से आप खड़े होंगे आपकी परछाई उसी तरह से तो बनेगी। आगे कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए ज़्यादा, या फिर वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, समझाने की वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सी ले इन शैडोड रूम, और वो अंधेरे कमरे में लेटी रही, और वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम के प्रकाश को वो देख रही थी, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न, एक दुखी उदास, लिटिल मतलब छोटी, उदास छोटी परछाई बनाते हुए ऑन द फ्लोर फर्श पर। देन तब फादर केम, पिताजी आए, और तब पिताजी आए इन टू द रूम, कमरे में, तब पिताजी कमरे में आए, भी था रूलर, एक छड़ी के साथ, इन इन हैज अपने हाथों में लेकर, एक छड़ी अपने हाथों में लेकर तब पिताजी कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, फॉर दिस, इसके लिए, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने वाला हूँ, ही सैड, उन्होंने कहा। ओह नो, अरे नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वहाँ बेड क्लॉथ्स, बिस्तर के कपड़ों में हाइडिंग, छुपते हुए, स्क्रीम्ड, चीखी। ओह नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, और वहाँ बिस्तर के कपड़ों में छिपते हुए चीखी। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने कपड़ों को एक तरफ फेंक दिया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने उन कपड़ों को एक ओर खींच लिया। सिट अप, बैठ जाओ, यानी उठकर बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए, वंस, एक बार, तुम्हें एक बार अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए, एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, कि उन सभी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारी नहीं है। अर्थात तुम्हें अच्छी तरह से ये समझाया जाना चाहिए कि उन सभी चीज़ों को तुम्हें नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है, बिलोंग मतलब तुमसे संबंधित नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। देखिए कितनी मेहनत की थी उसने अपने पिता के लिए। डाउन केम द रूलर ऑन लिटिल हर लिटिल, डाउन केम, छड़ी नीचे आई, द रूलर, वो छड़ी नीचे आई, ऑन हर लिटिल, उसके छोटे हाथों पर, या उसकी छोटी हथेलियों पर, पिंक प्लम्स, पिंक मतलब गुलाबी, प्लम्स मतलब हथेलियाँ, तो उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर छड़ी नीचे आई। यानी कहना चाहते हैं कि उसके छोटे गुलाबी हाथों पर पिताजी ने ज़ोर से छड़ी खींच कर मारी, ठीक है, तो छड़ी नीचे आई उसके गुलाबी छोटी हथेलियों पर। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर, जब दादी माँ ने हैड रैप्ड हर, उसको लपेट लिया, इन अ साल, एक साल में, घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे साल में लपेट लिया, एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर झूलने वाली कुर्सी पर, रॉक्ड हर उसको झूला झुलाया, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो द चाइल्ड, वो बच्ची क्लंग चिपट गई या चिपक गई टू हर सॉफ्ट बॉडी, उनके कोमल शरीर से, तो वहाँ बच्ची उनके कोमल शरीर से लिपट गई, यानी वो डर गई थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने फादर्स पिताओं को, व्हाट डिड मेक, किस लिए बनाया है, भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया है, सी सॉफ्ट, वो सुबकते हुए रोने लगी। हेयर्स अ क्लीन हैंकी, लो ये साफ रुमाल लो, हैंकी मतलब होता है रुमाल, क्लीन मतलब साफ, हेयर लो, डार्लिंग, डार्लिंग यानी प्यारी बच्ची, ये साफ रुमाल लो,
ब्लो योर नोज़, अपनी नाक को साफ करो, गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, प्रिय, प्रिय या छोटी बच्ची या लाडली, जाओ सो जाओ, यू विल फॉरगेट ऑल, तुम सब कुछ भूल जाओगी अबाउट इस सब बारे में, अर्थात इस बारे में तुम सब कुछ भूल जाओगी इन द मॉर्निंग, सुबह, अर्थात सुबह तुम इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को एक्सप्लेन समझाने की ट्राई कोशिश की, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो बहुत नाराज थे या इतने गुस्से में थे टू लिसन टू नाइट, कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, यानी वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची जो थी, बट द चाइल्ड, लेकिन बच्ची नेवर फॉरगॉट, कभी भी नहीं भूली, अर्थात इस मार के बारे में वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स। नेक्स्ट टाइम, जब अगली बार शी सॉ हिम, जब भी वो उनको देखती थी, अर्थात अगली बार जब भी वो उनको देखती थी, शी क्विकली, वो जल्दी से पुट बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों को बिहाइंड हर बैक, अपनी पीठ के पीछे कर लेती थी। ठीक है, तो अगली बार से जब भी वहाँ उनको देखती थी तो वो अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लेती थी, एंड अ रेड कॉलर, और एक लाल रंग फ्लू फैल जाता था इनटू हर चीक्स, उसके गालों पर, और उसके गालों पर एक लाल रंग फैल जाता था, अर्थात वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। दी मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स मतलब होता है एक तरह से पड़ोसी या लोग, ठीक है, तो लिव्ड नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर बगल के घरों में या बगल के मकानों में मैकडोनल्ड्स रहते थे, अर्थात लोग रहते थे, बहुत से लोग बगल के मकानों में रहते थे, यहाँ पे कह सकते हैं कि पड़ोसी बगल के घरों में रहते थे। दे हैड फाइव चिल्ड्रंस, उनके पाँच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप, एक गैप से, एक छेद से, इन द फेंस, चार दीवारी में एक छेद था, और उससे वो देख रही थी द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची देख रही थी या झांक रही थी शॉ देम, उन सभी को प्लेइंग, खेलते हुए, टैग इन द इवनिंग, शाम को टैग खेलते हुए, शाम को टैग मतलब होता है पकड़म पकड़ाई खेलते हुए। ठीक है, यहाँ पे पहले देखिए, ये नीचे इमेज दिया गया है, ये है चार दीवारी और इसमें एक छेद है, जिसमें से ये बच्ची, यानी जो बच्ची जिसको मार पड़ी है, वो पड़ोसी के पांचों बच्चों को अपने पिता के साथ खेलते हुए झांक कर देख रही है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर पर, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो पड़ोसी थे या लोग थे वो बगल के घरों में रहते थे, बगल के मकानों में रहते थे। दे हैड फाइव चिल्ड्रंस, उनके पांच बच्चे थे। द फेंस लुकिंग थ्रू अ गैप द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल शॉ, यहाँ छोटी बच्ची देख रही थी देम उन सभी को प्लेइंग, खेलते हुए, टैग, पहले इसको मत पढ़ो नहीं तो भूल जाओगे, पहले इसको पढ़ो, द लिटिल गर्ल, यहाँ छोटी बच्ची शॉ देम उन सबको देख रही थी प्लेइंग टैग, पकड़म पकड़ाई खेलते हुए, इन द इवनिंग, शाम को, तो शाम को यहाँ छोटी बच्ची उन सभी को पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देख रही थी। फेंस, चार दीवारी के एक गैप, एक छेद में से, या चार दीवारी की एक झिर्री में से, लुकिंग थ्रू, झांकते हुए, चार दीवारी की एक झिर्री में से झांकते हुए, या चार दीवारी की एक छेद में से झांकते हुए, यहाँ छोटी बच्ची उन सभी को पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देख रही थी। द फादर विद द बेबी, पिता बच्चों के साथ, अर्थात जो पिता थे विद द बेबी, बच्चों को, माओ, जिनमें से माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, अर्थात एक बच्चे का नाम था माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, और उन्होंने उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठाए रखा था। द फादर विद द बेबी, माओ, पिता बच्चे माओ के साथ, अर्थात माओ उस बच्चे का नाम है, जैसे मेरा नाम अमित, उसी तरह से उस बच्चे का नाम है माओ। ठीक है, ऑन हिज शोल्डर्स, तो पिताजी ने बच्चे माओ को कंधे पर बिठा रखा था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी बच्चियां हैंगिंग, लटक रही थी, ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उनके कोट के दोनों जेबों पर। ठीक है, तो उनके कोट के जेबों पर दो बच्चियां, दो छोटी बच्चियां लटक रही थी, रैन राउंड एंड राउंड, और वो गोल गोल दौड़ रही थी। द फ्लावर बिट्स, अर्थात वो दौड़ दौड़ रही थी, यानी गोल गोल दौड़ रही थी, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, सबसे पहले
जो फ्लावर बेड लिखा है उसको समझिए। फ्लावर बेड मतलब एक तरह का फूलों का गुच्छा जिसके चारों ओर आप दौड़ सकते हैं। तो उन्होंने मान लिया कि पिताजी फूलों के गुच्छे हैं और बच्चियां उनके चारों ओर गोल गोल दौड़ रही थी। और पिताजी ने क्या किया था, बच्चे माओ को अपने कंधे पर बिठाया था। यहाँ पर फिर से ये देखिए, पिताजी हैं और बच्चे उनके चारों ओर दौड़ रहे हैं और पिताजी ने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया है। तो यही चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, इमेज का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो पिताजी ने बच्चे माओ को अपने कंधे पर बिठाया था और दो छोटी लड़कियाँ उनके कोट के पॉकेट से लटकी हुई थी और वो द फ्लावर बेड्स अर्थात पिताजी के चारों ओर राउंड एंड राउंड गोल गोल रैन दौड़ रही थी। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा टेंशन ही खत्म हो गया। फ्लावर बेड मतलब होता है क्यारी, ठीक है, फूलों की क्यारी। तो यहाँ पे उन्होंने पिताजी को फूलों की क्यारी समझ लिया। तो इसको कहने का मतलब सीधा सीधा इतना है कि आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि वो पिताजी के चारों ओर दौड़ रही थी। ठीक है, सेकिंग विथ लाफ्टर, और वो लाफ्टर इतने ज़ोर से हंस रहे थे कि वो सेक कर रहे थे, यानी हंसते हुए वो हिल रहे थे। वंस सी शॉ द बॉय टर्न टू द होश टू हिम, वंस एक बार शीशा उसने देखा, द बॉय टर्न द होश ऑन हिम, कि उस बच्चे ने पिताजी पर होश कर दिया, आप ऐसे कहिए कि पिताजी पर पानी का पाइप कर दिया। ठीक है, एक बार तो उसने देखा कि उस बच्चे ने टर्न द होश ऑन हिम, पिताजी की तरफ पानी का पाइप कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए कि वंस एक बार शीशा उसने देखा, द बॉयज उन बच्चों ने टर्न द होश पानी के पाइप को मोड़ दिया ऑन हिम पिताजी की ओर। ठीक है, एक बार उसने देखा कि लड़कों ने या बच्चों ने पिताजी की ओर पानी का पाइप मोड़ दिया। एंड ही और पिताजी ने ट्राइड टू कैच देम, और पिताजी लगातार कैच करने की कोशिश कर रहे थे लाफिंग हंसते हुए ऑल द टाइम, यानी और पिताजी लगातार हंसते हुए टू कैच देम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अर्थात उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए आप अभी बहुत छोटे हैं, आप इतने बड़े नहीं हुए। ठीक है, तो बच्चे के स्तर पे समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हैं। भले ही आपको सब कहते हो आप बड़े हो गए, लेकिन इतने बड़े स्तर पर अभी आपको नहीं पढ़ना है, आसान शब्दों में पढ़ना है। आगे, देन इट वॉज सी डिसाइड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अदर्स, देन और उस समय, इट वॉज सी यानी यही वो समय था, अर्थात तब उस समय सी डिसाइड उसने निश्चय किया, देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, कि जो पिताजी होते हैं डिफरेंट सॉर्ट्स, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो तब उसने ये निश्चय किया कि पिताजी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सडनली अचानक वन डे एक दिन मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई, एंड सी एंड ग्रैंड मदर, और वहाँ यानी माँ एंड ग्रैंड मदर और दादी माँ वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, छोटी बच्ची अकेली रह गई इन द हाउस, घर में विथ एलाइस, एलाइस के साथ, यानी एलिस के साथ छोटी बच्ची घर में अकेली रह गई। द कुक, एलिस कौन थी, कुक थी, अर्थात खाना बनाने वाली थी। तो खाना बनाने वाली एलिस के साथ छोटी बच्ची घर में अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द टी टाइम, दैट वॉज ऑल राइट, सब कुछ ठीक था इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, बट वाइल लेकिन जब एलिस ने वॉज पुटिंग हर टू बेड, उसे बेड पर सुला दिया, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो अचानक सडनली ग्रू अफ्रेड, वो डर गई। वट आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, वट आई डू, मैं क्या करूँगी इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, अगर मुझे डरावने सपने दिखाई दिए तो, अगर मुझे डरावने सपने दिखाई दिए तो मैं क्या करूँगी, सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफ्टन हैव नाइट मेयर्स, मुझे भी कई बार नाइट मेयर्स आते हैं, मुझे भी कई बार डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी, देखिए, और तब ग्रैनी अर्थात तब दादी टेक्स मी, मुझे ले जाती है इन टू हर बेड, अपने बिस्तर पर, और तब दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। वो छोटी बच्ची कह रही है कि मुझे कई बार यानी मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, आई ऑफ्टन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, और जब मुझे डरावने सपने आते हैं तो दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में कांट स्टे नहीं रह सकती, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्पर्स,
इसमें विस्पर होती है, फुसफुसाहट होती है, अर्थात ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है, ये चीज़। तो इट ऑल गेट्स विस्पर, इसमें फुसफुसाहट होती है, अर्थात अंधेरे में फुसफुसाहट की आवाज़ें आती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम बस सो जाओ चाइल्ड, बच्ची, बच्ची तुम बस सो जाओ, सेड लाइस। एलिस ने कहा कि बच्ची तुम बस सो जाओ, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उनके यानी उसके जूतों यानी सॉक्स मतलब मोजों को पुलिंग ऑफ उसने उतार दिया, एलिस ने उसके मोजों को उतार दिया। और एलिस ने कहा कि तुम बस सो जाओ चाइल्ड, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची तुम बस सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, और डोंट यू स्क्रीम, तुम चीखना मत, एंड वेक योर पा, और अपने पिताजी को मत जगाना, अर्थात डोंट यू स्क्रीम यानी तुम चीखना मत, एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिताजी को जगा मत देना, ठीक है, अर्थात अगर तुम्हें डर लगे तो तुम जोरों से चीख कर अपने पिताजी को जगा मत देना, अर्थात तुमको चीखना नहीं है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, बट लेकिन द सेम, वही पुराना ओल्ड, अर्थात सेम ओल्ड नाइटमेयर, वही पुराना डरावना सपना केम आया, लेकिन वही पुराना डरावना सपना आया। द बुचर, कसाई, विथ अ नाइफ एंड अ रोप, हाथ में चाकू और रस्सी लेकर, कसाई, बुचर मतलब होता है कसाई, हाथ में चाकू और रस्सी लेकर, हु केम नियरर, पास आता जा रहा था, एंड नियर और पास आता जा रहा था, अर्थात जो करीब और करीब ही आता जा रहा था, यानी कह सकते हैं कि वो पास और पास आता जा रहा था, अर्थात नियर मतलब हु केम नियरर एंड नियरर, दो बार नियर है, अर्थात पास आता जा रहा था और ज़्यादा पास आता जा रहा था। कसाई अपने हाथों में चाकू और रस्सी लेकर उस बच्ची के पास और ज़्यादा पास आता जा रहा था, स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा रहा था, दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो डरावनी मुस्कान में मुस्कुरा रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, वाइल जब सी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं सकती थी, अर्थात बच्ची इतना डर गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, स्टिल मतलब बिना हिले डुले, ओनली स्टैंड, केवल खड़ी रह सकती थी, तो केवल खड़ी रह सकती थी बिना हिले डुले, अर्थात बिना हिले डुले केवल खड़ी रह सकती थी, क्राइंग आउट, रोते हुए, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ, अर्थात वो खड़ी थी और रो रही थी, दादी माँ, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू शी फादर बिसाइड हर बेड, शी वोक शिवरिंग, वो कांपते हुए, वोक, वोक मतलब होता है जागना, शिवरिंग मतलब कांपते हुए, सी वोक शिवरिंग, वो कांपते हुए जाग गई, टू शी फादर, और उसने पिताजी को देखा, बिसाइड हर बेड, अपने बेड के, अपने बिस्तर के पास खड़े हुए, और उसने पिताजी को अपने बिस्तर के पास पाया, अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथों में मोमबत्ती जल रही थी, या फिर उनके हाथों में मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा क्या बात है, ओह अबुचर, अरे एक कसाई, अ नाइफ, एक चाकू के साथ, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया, पिताजी ने, ठीक है, ही लगाए तो पिताजी ने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड, बेंट डाउन, नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड, और बच्ची को गोद में उठाकर, इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपनी गोद में उठाकर, कैरिंग अलोंग द पैसेज, गलियारे से होते हुए, कैरिंग उठ से उठाकर, अलोंग द पैसेज, गलियारे से होते हुए, टू द बिग बेडरूम, बड़े शयन कक्ष में ले गए, अर्थात वो उसे अपने बेडरूम में ले गए। बच्चों का तो बेडरूम बहुत छोटा होता है, छोटा सा बेड, छोटा सा तकिया, लेकिन बड़ों का बेड और बड़ों का तकिया, बड़ों के रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था, हाफ स्मोक्ड सिगार, और जो सिगार थी, अर्थात वो सिगार, सिगरेट जो थी, सिगार को सिगार ही बोलते हैं, सिगरेट नहीं बोल सकते, तो सिगार जो थी वो हाफ स्मोक्ड, आधी पी हुई थी, यानी आधा पिया हुआ सिगार पड़ा था। वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके रीडिंग लैम्प, उनके पढ़ने वाले लैम्प के नियर पास में, उनके पढ़ने वाले लैम्प के पास एक आधा पिया सिगार पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने समाचार पत्र को दूर रख दिया, थ्रू द सिगार इन टू द फायर प्लेस, फायर प्लेस जिसमें सिगार को बुझाने के लिए रखते हैं, ठीक है, तो थ्रू द सिगार, सिगार को फेंक दिया इन टू द फायर प्लेस, फायर प्लेस में, ठीक है, फायर प्लेस का नाम भी फायर प्लेस ही होता है।
तो सिगार को फायर प्लेस में फेंक दिया, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, देन केयरफुली तब बड़ी ही सावधानी से टक्ड अप द चाइल्ड, बच्ची को टक्ड अप कर लिया, लिटा लिया, और बड़ी ही सावधानी से तब उन्होंने बच्ची को लिटा लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो ले डाउन लेट गए बिसाइड हर उसके बगल, और पिताजी उस बच्ची के बगल लेट गए। हाफ़ एस्लीप स्टिल यानी वो अभी भी आधी सोई हुई थी, अर्थात उसको अभी भी डर लग रहा था, तो वो अभी भी आधी सोई हुई थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, इतने की हिंदी ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, इतने की हिंदी हो जाएगी कि ऐसा प्रतीत होता था, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था कि ऑल अबाउट हर बुचर्स स्माइल, कि बुचर जो है, कसाई जो है, वो चारों तरफ मुस्कुरा रहा है, ऑल अबाउट हर उसको ऐसा लग रहा था। तो उसको ऑल अबाउट हर इट सीम्ड स्टिल, उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि कसाई जो है वो चारों तरफ मुस्कुरा रहा है। हाफ एस्लीप, वो अभी भी आधी सोई थी, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़िए कि वो अभी भी आधी सोई हुई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि किस कसाई जो है वो अभी भी चारों ओर मुस्कुरा रहा है। सी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पिताजी के क्रिप्ट क्लोज और पास सरक गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपना जो सिर था ना, हर हेड, अपने सिर को अंडर हिज आर्म, उनकी बाँह के नीचे स्नग्ड सरका दिया, और अपने सिर को उनकी बाँह के नीचे सरका दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बड़ी ही टाइटली से, बड़े ही जोरों से या कसकर हेल्ड पकड़ लिया, और उनके शर्ट को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, देन द डार्क जो अंधकार था देन उस समय, अर्थात तब अंधकार डिड नॉट मैटर, महत्वहीन हो गया, अर्थात तब अंधकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। सी ले स्टिल, वो शांत लेट गई। हेयर यहाँ, रब योर फीट, अपने पैरों को रगड़ो अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों से। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सैड फादर, पिताजी ने कहा कि अब तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट, बहुत ज़्यादा थकान के कारण ही स्लिप्ट, वो सो गए, पिताजी सो गए बिफोर द लिटिल गर्ल, जहाँ पे ही का मतलब है पिताजी के लिए, ठीक है। तो ही स्लिप्ट, वो सो गए बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची से पहले, बहुत ज़्यादा थकान के कारण वो छोटी बच्ची से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग एक विचित्र अनुभव केम ओवर हर, अर्थात उसको एक विचित्र अनुभूति हुई, उस बच्ची को, उस लड़की को एक विचित्र अनुभूति हुई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, आखिरकार वो इतने भी बड़े नहीं हैं, अर्थात इतने बड़े नहीं हैं कि राक्षस हैं उनसे डरना चाहिए। अब बच्ची को एहसास हो रहा है कि पिताजी उससे प्रेम करते हैं। नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार बेचारे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विथ नो वन लुक आफ्टर हिम, एंड विथ नो वन, और कोई भी नहीं है लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने वाला। सोचिए, आपकी देखभाल तो आपके दादा दादी करते हैं, नाना नानी करते हैं, पापा करते हैं, मम्मी करती हैं, भाई करते हैं, बहन करती हैं, लेकिन पिताजी की देखभाल कौन करता है? कोई नहीं करता, ठीक है। जितना ख्याल आपका रखा जाता है, क्या उतना ख्याल पिताजी का रखा जाता है? नहीं। तो वही चीज़ वो कहती है कि दे एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, हार्डर, वो कठोर हैं दैन ग्रैंड मदर, दादी माँ से वो कहीं ज़्यादा कठोर हैं, अर्थात वो गुस्से में रहते हैं, डांट कर बात करते हैं, दादी माँ प्यार से बात करती है, तो वो दादी माँ से कहीं ज़्यादा कठोर हैं। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो कठोरता है, नाइस, ये अच्छी है, लेकिन ये कठोरता अच्छी है, अर्थात ये अच्छी कठोरता है, ये कठोरता इसलिए है ताकि मेरा बुरा ना हो, ठीक है, अर्थात वो मेरा भला चाहते हैं इसलिए वो मुझसे कठोर है। जो भी आप पर शोषण करना चाहेगा वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, ठीक है। तो पिताजी इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप काबिल बने, आगे बढ़ें, महान बने। हर पिता चाहता है कि उसकी संतान उससे भी आगे बढ़े।
एंड एवरी डे, और हर दिन ही हैड टू वर्क, उनको काम पर जाना पड़ता है, एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। और मिस्टर मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड वो पड़ोसी जो अपने पांचों बच्चों के साथ खेल रहा था, तो मिस्टर मैकडोनाल्ड भी बनने के लिए टू टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अर्थात वो मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि उनको एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्योंकि प्रत्येक दिन उनको काम पर जाना ही पड़ता है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते या नहीं बन सकते, ठीक है, अर्थात मेरे पड़ोसी की तरह ये नहीं बन सकते। जैसे पड़ोसियों के पिता हैं वो बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, उस तरह से मेरे पिताजी नहीं खेल सकते क्योंकि ये थक जाते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी हैड टॉर्न अप, उसने फाड़ दी थी ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनके सुंदर लिखावट को या उनके सुंदर लिखे कागजों को, तो उनके सुंदर लिखे कागजों को सी हैड टॉर्न अप, उसने फाड़ दिया था, ठीक है। शी स्टार्ड सडनली, वो अचानक स्टार्ड हो गई, हिल गई, एंड साइड, और उसने आह भरी। शी स्टार्ड सडनली, वो अचानक हिल गई, एंड साइड, और उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या एक और भयानक सपना दिखाई दिया। अब इस चैप्टर में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, सबसे पहले मैंने आपको नहीं बताया कि ये चैप्टर किस बारे में है, तो आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आप समझ जाएं कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपने क्या सीखा, और हाँ, दूसरे बच्चे भी आपके विचारों को पढ़ सकें और वो जान सकें कि आपके विचार कितने अच्छे हैं और आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है। बहुत सारे बच्चे अपने पिता से डरते हैं, बहुत सारे, सभी लगभग लगभग, मैं खुद भी डरता था, मैं अभी भी डरता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो सब डरते हैं, लेकिन आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, ये चैप्टर क्यों दिया गया है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो व्हाट द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या तुमने एक और सपना देखा। ओह अरे, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। माई हेड ऑन योर हर्ट, मेरा सिर ऑन योर हर्ट, आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे गोइंग करते हुए, धड़कते हुए हियर सुन सकती हूँ। वाट अ बिग हर्ट, आपका दिल कितना बड़ा है, यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पिताजी, यू हैव गॉट वाट अ बिग हर्ट, आपका दिल कितना विशाल है, आपका हृदय कितना विशाल है, डियर फादर, प्रिय पिताजी। तो यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।